ये खुद नशे में चूर रहता है। ये दिव्या मदेरणा के बारे में बोला, किसी के बारे में कुछ बोल सकता है। ये तो सरपंच का कैडर का नहीं है तो इसका भाई नारायण, ये कोई पार्टी नहीं है। दो तीन साल में आप देखेंगे इसका प्रभुत्व बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये पार्टी रहेगी नहीं। लॉर्ड विधानसभा का माहौल बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस की तरह। बाकी पार्टियां तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की, आरएलपी है। आरएलपी खाली नामांकन हो जाएगी भीड़ में सा बाड़े दिया है गणेश में ग्यारह बार बार ला लोग इसमें किया दारूड़िया इसमें तेल डीजल खातर ए गाड़ियां, बाकी कोई वजूद नहीं है आरएलपी का यहाँ लौट के अंदर। युवा पार्टी पूरी कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को बहुमत से पूरे 50,000 प्लस से जिताएंगे लौट में। कृष्णा राम जी जीत का बिल्कुल बच चुका है, बिल्कुल पिछली बार 42 था, अब 42 50 प्लस। आरएलपी के बारे में कुछ नहीं है, ये युवाओं को बेकाबू में ला रहे हैं और ये ऐसे मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, दो तीन साल में आप देखेंगे इसका प्रभुत्व बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये पार्टी रहेगी नहीं ना। अनुमान रहेगा कीकर क्या, इसमें कुछ प्रभुत्व नहीं है, लोगों को बेकार है और पूरे दिन प्रशासन को मतलब परेशान कर रहा है। कुछ नहीं है आरएलपी का, कुछ नहीं है, कांग्रेस ही रहेगी यहाँ पर, तो कांग्रेस थी है और रहेगी। आरएलपी तो कुछ नहीं, आरएलपी अब देख लो, तीन चार कैंडिडेट थे उसने तो फार्म भी विड्रॉल कर लिए और पैसों से टिकट दिए, खाली पैसों को खेले। और इनके साथ युवा कौन से, खाली नशेड़ी और वो गाड़ियां लिए हुए फाइनेंस किस्त रहेगा इनके साथ, ये खुद ही रहेंगे, इनके साथ कोई नहीं रहेगा। पूरे युवा सब अपने आप अपनी पार्टी से जुड़ जाएंगे, सब अच्छी पार्टी होगी उसके साथ ही रहेंगे, कोई नहीं रहेगा युवा पूरा मतलब आरएलपी का प्रभुत्व खत्म कर देंगे, ये फिक्स है। आप देख लें लॉर्ड के अंदर आरएलपी और बीजेपी एक ही चीज है, क्योंकि इनके आरएलपी का जो प्रत्यक्षी है उनके होटल का ये दो महीने पहले एक शिला उद्घाटन समारोह था। विष्णु हमारे विष्णु समाज का सबसे बड़ा तो गुरु जी भागीरदास जी विष्णु ही थे, वो आए थे, उनको आधा घंटा तक इंतजार कराया कि गजेंद्र सिंह क्यों सर आ रहे हैं, वो फीता काटेंगे, ये उनका ही मिला हुआ है। ए और बी मतलब आरएलपी और कुछ वजूद नहीं आरएलपी का। और हमारे गांव में तो आरएलपी के जैसे 50-60 लड़के शराबी और इसमें किए, कोई आरएलपी कुछ नहीं, आरएलपी तीसरे नंबर पे मतलब तीसरा या चौथा, इसे तो वो विषय आरएलपी समाप्त हो जाएगी यहां से, फाइनल हो चुका है, लॉट अंत हो चुका है, आप समझ लो अंत हो चुका है, अंत हो गया है, आरएलपी है ही नहीं, ये बिल्कुल है। आज का समीकरण देख लो आप, यहां पर कुछ नहीं, लॉट में एक ही आकार कृष्णा काका, भीड़ भी बजाए और भी बजाएंगे 5 साल तक, मींगना ही गिड़का है कृष्णा राम जी विष्णु ही, तो और भी गिड़का है और आगे भी गिड़का है, उतना विकास आरएलपी बोलती है तो सरपंच के कैडर का आदमी नहीं है, हमने विधायक बढ़ा। हाँ वो हनुमान जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला था, लेकिन उनको पता नहीं है कि कृष्णा राम जी क्या चीज़ है। 5 साल जनता से पूछ लो आप कौन क्या बोलेगा, वो तो अपनी अपनी पार्टी के लिए सब बोलते हैं, कौन नहीं बोलते। उन्होंने बोला कि सरपंच की लायकी है नहीं, उनको आपने विधेयक कैसे चुना, वो कह रहे 70,000 से हारेंगे, 70,000 से हारेगी आरएलपी, आप देख लेना। ये खुद नशे में चूर रहता है, ये दिव्या मदेरणा के बारे में बोला, किसी के बारे में कुछ बोल सकता है। ये तो सरपंच का कैडर का नहीं है तो इसका भाई नारायण, सरपंच से चुनाव हारा हुआ और खींचर से एमएलए बनाया था, तो फिर वो एमएलए कैसे बन गया, तो उसका भाई तो क्यों सर से सरपंच का चुनाव भी हारा हुआ है, तो फिर क्या करेगा, इधर जनता की सेवा करने के लायक ही नहीं है। आज का माहौल देखो, कृष्णा राम का बिगुल बज चुका है, 100% कृष्णा राम की जीत होगी, 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। और बीजेपी और आरएलपी है बी और बीजेपी है ए, दोनों मिल के चुनाव लड़ रही है, यही टारगेट है, कृष्णा राम को चुनाव हराना है। आप कैसे भी करके षड्यंत्र तो कृष्णा राम चुनाव नहीं हारेगा, ये मान गए। आरएलपी है 25 प्लस जारी कांग्रेस की सीटें, आरएलपी का कोई चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और जोधपुर की 10 सीटें हैं, 10 में से 10 कांग्रेस के झोली में आ रही है और फलौदी में 2 सीटें हैं, दोनों वो भी कांग्रेस की झोली में आ रही है। छगन प्रकाश जी चुनाव जीत रहे हैं 100% वहाँ से भी, और कृष्णा राम 101% चुनाव जीतेंगे यहाँ से, ये फाइनल हो चुका है।